हेलो फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज होली का दिन है और कल है होली, तो हम लोग आज होली के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं और मेरे दीदी और भाई भी जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहो एंड तक। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो फैमिली, आप लोग को मैं लेके चलता हूँ सीधा सीधा नागपुरा जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए, होली के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। तो फिर चलो अभी भी मिलते हैं, बाय। हाँ फैमिली, तो हम लोग जावत हैं शॉपिंग करे बस होली के। आज होली का दहन है और होली के आप मल्ला काड़ा काड़ा पढ़ाई पहले से। और देखो हमारे घर में लगना है होली साथ मना रिश्ते में, तो हम अभी जावत संगवा रही हूँ, तो होली वोली ले तो जाके मिलते हैं, तो हम जाके मिलते हैं संगवारी हो। हम यहाँ पढ़ाई करते रहे हैं, तो अभी हम लोग आ गए हैं स्कूल में। तो हम लोग सरकारी स्कूल में 9वीं और 10वीं पढ़ने के लिए अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर साइकिल से आना पड़ता था। और अभी तो हो गया है, बात है 2015 की बात है। यहाँ पे वो वाले वाले हम लोग के लिए वो था, तो फिर हमारे स्कूल है, देख सकते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ने के लिए हम दोनों एक साथ आते थे। ये मुझे छोड़ देता था तो मैं अकेली आती थी। क्या लिखा है? शासकीय हाई स्कूल भैंडसर, हमारे फैमिली स्कूल। यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ही संगवारी होता हमारे यहाँ 10वीं और 9वीं पढ़ाई करे बरात रहे हमारे स्कूल हरे। और यहाँ तक हमें पता है 6 किलोमीटर आगे साइकिल में आवन, और तो हालत ख़राब हो जाती रही से। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे हूँ, कम पढ़ाई करे हूँ, पर पढ़े हूँ जितना मुला सकते उतना। और ये वाला स्कूल तो बने नहीं थी, तो मैं हमें वहाँ वो स्कूल दिख रहा है ना, तो वही वाले में पढ़ाई करत रही हैं। और मिनी स्टूडियो भैंसर यहाँ पर और कुछ बन गए हैं, पर बहुत अच्छा लगे इतना धुराए में। दोपहर में हम लोग टिफिन नहीं लाना, तो उधर उठी पर खाना खा जान आधा ही ज्यादा सीजी बोला, तो सॉरी ना। हमारे स्कूल है पुराना, ये सब बोल कौन सी मैडम लगा, कौन सी मैडम काटी डाल, पर्यावरण वाले मैडम। तो अब जा रहे हैं हम लोग नागपुरा की तरफ, वहाँ भी हमारे 11वीं 12वीं के लिए वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हमारे गांव में बस 8 क्लास तक स्कूल है, बाकी हम लोग को घूम घूम पढ़ना पड़ता है। तो फैमिली हम लोग आ गए हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो आप लोग भी मैं लेके चलता हूँ। अरे इंग्लिश मीडियम हो गया तुम, ये क्या इंग्लिश मीडियम लिखा है? इंग्लिश बन गए हैं। ये हमारे स्कूल है फैमिली, यहाँ पे हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए आते थे। 9वीं 10वीं तो आप लोगों को दिखला दिया, और 8 क्लास तक हमारे गाँव में था उसको भी दिखला, और ये 12 किलोमीटर पड़ते हैं हमारे गाँव में। तो यहाँ भी मैं साइकिल से आता था, आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्लेंस नागपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़। लेकिन मैं पढ़ा तो मैं हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ा था, और पूरा 12वीं तक मेरा हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुआ है। और हाँ, वहाँ पे मेरा 11वीं क्लास था और 12वीं क्लास यही पे था, ये वाले मेरे 12वीं क्लास था। 12th यहाँ पे हुआ, 11th वहाँ पे हुआ, बाकी पूरा मैदान है। 11th 12th में दोनों प्रैक्टिकल यहाँ दिलाओ में है।
और यहाँ पे प्रेयर होता था फैमिली, यहाँ पे प्रेयर होता था। अच्छा हम लोग वहाँ भी प्रेयर होता था और यहाँ भी प्रेयर होता था। दसवीं का बोर्ड एग्जाम पता है, दसवीं का बोर्ड एग्जाम ना मैं ही पे दिलाया था। अच्छा हम वो उधर दिलाया था दोनों से, ये वाले 11th क्लास था फर्स्ट टाइम। हाँ और वो उधर था ना, इधर उधर उधर ही बस था, मतलब प्राइमरी के छठवीं से आठवीं तक, बाकी फिर ना इधर दे दिया। जिम बने, जिम जिम है इलेवेंथ क्लास में, यहाँ पे बैठ रहा मैं, मतलब दो तीन महीने वगैरह फिर वहाँ गया हूँ सीधा। मेरे को इसको छोड़े हुए कम से कम 5 साल हो गया है, इस पर स्कूल को छोड़े, और इसको 2 साल हुआ है छोड़े। यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आता था, मैं बता दिया कि मेरा स्कूल था जहाँ पे मैं 11th 12th दोनों को यहीं से पढ़ाई किया हूँ हिंदी मीडियम में। और पता नहीं यहाँ पे इंग्लिश का बोर्ड लग गया, लेकिन मैं जब पढ़ गया था तो वो हिंदी मीडियम में था ना। 11वीं पढ़ने में तब लगा हूँ और 12वीं पढ़ने में तब लगा हूँ। 11वीं क्लास में इसको लगाए थे? अच्छा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग इसको लगाए थे, और अभी इतना बड़ा हो गया है, 3 साल में हुआ इतना बड़ा। इतने लगा रहे, झूठ बोला थे। ये हमारे क्लास वाले 11th में लगाए थे इसको, और वो वाले 12th में लगाए थे, एक मिनट लगाए थे। टारगेट रहता है कि एक क्लास वाले एक बैच का एक निशान रहे करके, तो ये हमारे वाला निशान था 11th 12th। खबर आए थे हम लोग भी सैंडल लेने के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी। तो हमन खातन पकोड़ा, अब आप मन हमर ब्लॉग देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब काबर नहीं करो? तो सब्सक्राइब करो ना संगवारी, और ज़्यादा वीडियो ला वायरल करो, ताकि हम मन थोड़ा आगे बढ़ सकन। हिच करके हिच कर बैठे हैं हमन अभी तक से। कैसे बढ़ेंगे? हाँ और जल्दी से जल्दी 3000 मिले जब फॉलोवर। अच्छा गुब्बारा फूलने के लिए किसको? एक सिंगी के लिए काम चली कि नहीं चले? देख चलो चलते फूलने के लिए। अरे वो लिखे चुके हम लोग का पूरा होली का शॉपिंग हो गया, काम भी तो गया ना। अरे कहाँ चीज बोलो, ठीक है खोलने रे। अभी देखिए का है तुम लोग आए ना पूरे यहाँ होली का कुछ सामान है, ये कैसे बताना खरीदूंगा। लाइक करो चैनल और सब्सक्राइब करो और शेयर।